पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए नाम निर्देशन की कार्रवाई और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की कार्रवाई होनी थी, तो कुल 3 हमारे पास में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसमें एक सुनील सिंह थे, दूसरे अरुण कुमार और श्रीमती रजनी, ये 3 नामांकन आए थे। समीक्षा के दौरान सुनील सिंह का तो जो नामांकन था बिल्कुल ठीक पाया गया। जो अरुण कुमार का नामांकन था, इसमें जमानत की धनराशि का जो उन्होंने चालान था वो नहीं लगाया था, और जो निर्धारित प्रारूप बा है उसमें जो शपथ पत्र था उसको नोटरी नहीं कराया था, और नामांकन पत्र के साथ में जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल नहीं की थी, और उनको ये निर्देशित भी किया गया था कि जब आप समीक्षा के दौरान आए तो इसका मूल प्रमाण पत्र लेके आएंगे, तो वो भी वो लेकर के नहीं आए। तो ये 3 उसमें कमियां थी, इसके कारण वो निरस्त हुआ। इसी प्रकार जो रजनी थी, इनका जो नामांकन पत्र था उसमें जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति नहीं लगाई गई थी, और समीक्षा के समय जब वो आई थी तो उन्होंने निर्देशित करने के बाद भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र उसमें मूल रूप में या उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं कराई, और उन्होंने अपना रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया कि उनके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि रजनी ये वार्ड संख्या 2 से निर्वाचित होकर के आई थी, और ये वार्ड संख्या 2 अनारक्षित वार्ड था, इसलिए इनका जो ओबीसी, ये जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो है ओबीसी सीट के लिए आरक्षित है, इसलिए और माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से लाए जाने के भी निर्देश थे, और ये आवश्यक एक औपचारिकता थी जिसे पूर्ण नहीं किया गया, इस कारण इनका भी नामांकन पत्र निरस्त किया गया। सर, अब दावेदारी सिर्फ किसकी रह गई जिला पंचायत की? कितने अब दावेदारी श्री सुनील सिंह की ही एकमात्र दावेदारी रह गई है। 29 तारीख को नाम वापसी का के लिए निर्धारित है, और 3 बजे तक कार्रवाई होनी है, उसके बाद में फिर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से इनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता है, ये 29 तारीख को ही बता पाएंगे 3 बजे के बाद।